मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे इज़ आर वीडियो फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर। चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है। उम्मीद है आप लोगों ने सब ने अपने नोटबुक में राइट डाउन कर ली होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉर। पेज नंबर है 25। जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीनिंग, इसका मीनिंग होता है सूक्ष्म जीव, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे से जीव। फ्रेंड्स एंड फॉय, फ्रेंड्स का मतलब मित्र और फॉय का मतलब शत्रु। ठीक है, इसी को आज हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे इसका हम। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर स्मॉल और बिग कैन बी ऑब्जर्व ईजिली विथ नेक्ड आइज। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सी संख्या के अंदर ऐसे छोटे छोटे से जीव होते हैं, छोटे और बड़े, जो कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली उनको देख सकते हैं। जैसे कि हम हमारे आसपास में भी देख सकते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे काऊ है, गॉट है, डॉग है, इन सबको हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये बटरफ्लाइज वगैरह होती हैं, इनको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, देयर आर आल्सो अ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम हमारी आँखों से नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी उसको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी सीन ओनली वैन दे आर मैग्नीफाइड। हम उनको तब देख सकते हैं जब अपने पास में कोई यंत्र होता है, तब हम उनको देख सकते हैं। और मैग्नीफाइड यानी कि उनकी संख्या के अंदर वृद्धि हो रही होती है, तब हम उनको देख सकते हैं। कैसे? द साइंटिस्ट हैव मेड यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम। साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी जिसको हम कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि इनका निरीक्षण करने के लिए, इनको देखने के लिए क्या करते हैं, इसका माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। कौन करते हैं? साइंटिस्ट। माइक्रोस्कोप्स ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशंस हैव बीन यूज टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, इसमें बहुत मैग्निफिकेशन यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें वृद्धि होती है। हैव बीन यूज टू ऑब्जर्व देम ऑल ऑर्गेनिज्म। और फिर ये क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनको ये देख सकते हैं, उनको ये सीन कर सकते हैं। सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो छोटे छोटे से जो जीव हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज एंड कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म जीव वह होते हैं जिनको हम हमारी खुली आँखों से बिना किसी यंत्र के सहारे नहीं देख सकते हैं। और क्या, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, और उन्हीं को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों का विज्ञान जो होता है, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यह वह ब्रांच है, यह वह शाखा है जो क्या करती है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी का मतलब अध्ययन करना, उसकी जानकारी लेना, किन की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की यानी सूक्ष्म जीवों की, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पता लगाते हैं, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। समझ में आई बात? लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग 3 एक्टिविटीज़ टू फाइंड आंसर टू द अबव क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, 3 एक्टिविटी करेंगे, उसके द्वारा पता लगाएंगे कि ये होते क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिया, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं बिना किसी यंत्र के सहारे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और उनका अध्ययन जिसके द्वारा हम करते हैं, वह ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अब आता है अपना एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1, ऑब्जर्वेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। अब हमें ये ऑब्जर्वेशन करना है कि जो वाटर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनका हमें क्या करना है, स्टडी करना है। कलेक्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, पानी इकट्ठा करना है अलग अलग जगह से। कौन कौन सी जगह से? लाइक ड्रेन यानी कि नाली से, वेल, कुआं, कैनाल, नहर, लेक, झील, पॉन्ड, तालाब, रिवर, नदी, इन क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब्स। छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स लेनी है ग्लास की यानी कि कांच की, और उनके अंदर इन सब जगह में से क्या करना है, पानी इकट्ठा करके उसके अंदर भरना है। अलाउ दीज सैंपल्स टू सेटल डाउन, और जितने भी हमने सैंपल लिए, अब क्या करना है, उनको सेटल डाउन यानी कि उनको बिल्कुल बिना छेड़े रख देना है। ठीक है,
Observe first with naked eye and then with a magnifying glass. Observe करो, बिना किसी यंत्र के सारे, बिना किसी माइक्रोस्कोप के सारे उसको देखने की कोशिश करो कि आपको उसके अंदर क्या दिखता है. फिर आप क्या करोगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसमें से एक एक ड्रॉप यानी कि एक एक बूंद पानी की निकालोगे. ऑन अ ग्लास साइड, जो ग्लास कांच की जो स्लाइड्स होती है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. क्या करना है, जितने भी हमने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो अलग अलग वाटर इकट्ठा किया था उसमें से एक एक ड्रॉप बाहर निकालना है और उनके ऊपर डालना है. फिर अब क्या करना है, माइक्रोस्कोप की मदद से हमें उसके अंदर देखना है किसके अंदर, जो ड्रॉप अपन ने किस में डाला था, स्लाइड्स के ऊपर डाला था. वॉट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, नेक्स्ट पेपर पर आ जाइए. यू विल ऑब्जर्व दैट मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन वाटर अंडर अ माइक्रोस्कोप. जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव उसमें नज़र आते हैं. दीज, हमें खुली आंखों से जब हमने देखा था बिना किसी यंत्र के सारे, तो हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नज़र नहीं आए थे. लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आते हैं, ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे नज़र आते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी सीन वैन ऑब्जर्व थ्रू द नेक्ड आइज. ये जो ऑर्गेनिज्म थे, जब हमने पहले इनको बिना किसी यंत्र के सहारे देखा था, बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था, तो हमें कोई भी इसके अंदर जीव नज़र नहीं आया था. राइट द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. अब क्या करना है, अलग अलग वाटर में आपको कौन कौन से जीव नज़र आए हैं उनको राइट डाउन करना है. कैन यू ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटी का क्या आप एक डायग्राम बना सकते हैं. यू विल सी मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, आपने इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव देखे होंगे. दीज ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, इनको हम अपनी ऐसे ही नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं, हम अपनी माइक्रोस्कोप की मदद से ही इन ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है एक्टिविटी टू, थ्रूली मॉइस्टन पीस ऑफ ब्रेड विथ वाटर. एक पानी से भिगा हुआ ब्रेड का टुकड़ा आपको लेना है. कीप द ब्रेड इन एयर फॉर अ डे फॉर टू, दो दिनों के लिए उसको क्या करना है, एक सूखी जगह में रख देना है सूखने के लिए, ठीक है. देन कीप द पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3 to 4 मोर डेज इन वार्म प्लेस. अब इनको क्या करना है, वार्म प्लेस यानी कि गर्म जगह से हमको देखना है. वॉट हैपन्स आफ्टर 4-5 डेज, 4 से 5 दिन के बाद में क्या होता है. यू विल फाइंड दैट ब्रेड गेट्स कवर्ड विद ग्रेनिश वाइट पेजेस. अब आप देखोगे कि जो ब्रेड थी वो क्या हो गई है, उसके ऊपर ग्रे और वाइट कलर के क्या हो गए हैं, पेजेस आ गए, यानी कि रुई के जैसे आपको उसके ऊपर नज़र आएगा, ठीक है, जिसको हम फंगस कहते हैं. एग्जामाइन दीज पेजेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये किससे आपको नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोप की मदद से आप उस जो आपको पेचेस नज़र आए थे उसके अंदर आप देखो तो आपको क्या दिखेगा. यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स ग्रोइंग ऑन थी लॉन्ग स्टॉक फ्रॉम द ब्रेड. अब आपको दिखेगा कि ब्लैक कलर के स्टॉक्स यानी कि लंबे लंबे छोटे छोटे से जीव आपको उसके अंदर ब्रेड के अंदर नज़र आएंगे, ठीक है. तो एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आई होगी. एक्टिविटी थर्ड हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस डे, थैंक यू.